हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग अच्छे हैं। आइए आज हम जो कल बताए थे यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ही हम लोग आज पूरा करते हैं। लेकिन एक बात और, बहुत सारे लोग मैसेज किए हैं कि सर छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, हम आपको सब कुछ पूरा बताएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना हम कुछ छोड़ के जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हम चीजों को ऐसे आपके सामने रखना चाह रहे हैं ना जिससे वो चीज बहुत ज्यादा आसान हो, बहुत ही आसान, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि कुछ भी छोड़ रहे हैं, छोड़ने वाले कुछ भी नहीं है। तो आज हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़े थे त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसी को आज हम कुछ प्रॉब्लम उसमें और है जो आपको बताएंगे हम। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पीछे रिवाइज करते हैं हम लोग। त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम लोग पढ़े थे कि यदि एबीसी कोई त्रिभुज हो और ए का नियामक हो x1 y1, बी का हो x2 y2, सी का हो x3 y3, तब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है आपका कितना, तो हाफ डिटरमिनेंट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट यानी x1 y1 और अपने मन से 1, फिर बी का कोऑर्डिनेट यानी x2 y2 1, फिर सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 1। और अगर आप सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अगर रो में नहीं लिखना चाहिएगा तो आप कॉलम में भी लिख सकते हैं। तो बराबर में आप हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वह होगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये दोनों के दोनों ही त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा आपको, ठीक है। तो यही है, यदि मेरे पास एक त्रिभुज हो और उन त्रिभुज के कोऑर्डिनेट्स पता हो हमको, ठीक है, तब हम क्या करते हैं कि दो कोऑर्डिनेट है दोनों क्या रख देंगे, चाहे रो वाइज हो चाहे कॉलम वाइज हो। यानी आप एक एक कोऑर्डिनेट को अपनी इच्छा के अनुसार से या तो रो में रख सकते हैं या फिर कॉलम में रख सकते हैं। देखिए, तो हम पहला में रो में रखे हैं जबकि दूसरा में हम कॉलम में रखें, ठीक है। उसी तरह से दूसरे को, लेकिन ध्यान रखना है, अगर हम पहले एलिमेंट, पहले के कोऑर्डिनेट यानी अगर हम पहला वाला बिंदु का कोऑर्डिनेट अगर हम रखें किसमें, रो में, तो दूसरे का भी किसमें रखेंगे, रो में, तीसरे का भी रो में। यदि पहले का रखें हम कॉलम में तो दूसरे का भी रखेंगे किसमें, कॉलम में ही रखिएगा, और तीसरे का भी कॉलम में ही रखिएगा। यानी अगर त्रिभुज का कोऑर्डिनेट पता है तब त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू हाफ इन अ रो और इन अ कॉलम, यानी रो में रखिए या फिर कॉलम में रखिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड पॉइंट, डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड पॉइंट इंक्लूड क्या करते हैं इसमें हम लोग, तो 1 एड कर देते अपने मन से, 1 हम एक पॉइंट यूज करते हैं जिसने हम आपको कल दिखाए थे इसको। दूसरा, ये तो एक हुआ ये पॉइंट, और दूसरा है कि वो था आपका कि यदि ए x1 y1, बी x2 y2, तथा सी x3 y3 तीन बिंदुए हो तीन बिंदु संरेख कर देते हैं, संरेख बिंदु, सॉरी ए बी तथा सी तीन बिंदु संरेख होगी, ठीक है, कब, यदि डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, यदि बाद में इसको लिखते हैं, मुझे ये पहले यही तक देख लीजिए फिर इसको मिटा के बता, क्योंकि स्पेस कम दिख रहा है। तो ये हो गया आपका। अब आइए हम दिखाते हैं जो दूसरा होता है, तो पहला हुआ एक हिस्सा,
दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है तीन बिंदु संरेख होने के शर्त, यानी कंडीशन जो है हमको निकालना है किसके लिए, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए। हम कैसे जानेंगे कि यह जो है दिया गया तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर होगा, ठीक है। देखिए ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू तथा सी एक्स थ्री वाई थ्री संरेख होंगे यदि डिटरमिनेंट ऑफ, क्या कहते हैं, या तो रो से या तो कॉलम से, मतलब रो रख रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन, इसका मान कितना होना चाहिए, जीरो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन, यानी ये दोनों का मान, यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू यदि जीरो मिल जाएगा हमको, तब हम कहेंगे कि वह क्या है, संरेख। ध्यान समझिएगा, अगर आपको ये तीनों का दोनों कंडीशन में कुछ भी जीरो मिल जाएगा तो संरेख समझिएगा, ठीक है। चलिए बस इतना ही, यही दो चीज हम आपको कल बताए थे, तो इसको हम लोग अब प्रॉब्लम में ले चलते हैं। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए तो क्या कीजिए ना अभी कि आपको एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, जिसमें उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 2711 और 108, ठीक है। देखिए पहला सवाल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उनके नियामक टू सेवन वन वन और 10, 8 है। ध्यान दीजिएगा हमको क्या करना है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के बताना है कब, जब उसके एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 7, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, 1 और तीसरे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वह क्या है, तो 10 और 8। तब आपको क्या करना है कि ट्रायंगल का जो है आपको एरिया निकालना है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, त्रिभुज के शीर्ष मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए, माना कि ए 2, 7, बी 1, 1 तथा सी 10, 8 है, यानी हम क्या किए, तो इसमें त्रिभुज को एक नाम दे दिए, और त्रिभुज का नाम क्या हो गया इसको देख के बताइए तो, हाँ ए बी सी हो गया त्रिभुज। आइए देखिए, अब हम लोग पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होता है, 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन, ये ना पढ़े हम लोग। अब क्या करना है, तो इसमें कोऑर्डिनेट को इसमें रखिए, सॉरी वैल्यू रखिए सबका, बताइए एक्स वन क्या, देखिए टू, ऐसे यहां देखिए 2
सेवन वन हो गया। यहां देखिए फिर वन वन अपने पास एक वन देते हैं आप, फिर टेन एट और वन, ये हम लोग वैल्यू रख लिए। ठीक है, अब आइए इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए आप। तो डिटरमिनेंट किस प्रोसेस से सॉल्व कीजिएगा ये आपकी मर्जी, लेकिन इस प्रॉब्लम को हम सारस डायग्राम से बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनता है, इससे थोड़ा ना आपका रिवाइज भी हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा तो फायदा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, टू वन टेन, इसका मतलब हम सारस डायग्राम में कॉलम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, टू वन टेन, सेवन वन एट, वन वन वन। ठीक है, क्या करते थे याद है ना आपको, पहले कॉलम को लिखते हैं हम लोग, लिख दिए देखिए, फिर दूसरे कॉलम को लिखते हैं, लिख दिए, फिर तीसरे कॉलम को लिखते हैं, लिख दिए, देख लीजिए मिला के टू वन टेन, टू वन टेन। ठीक है, फिर देखिए सेवन वन एट, फिर देखिए वन वन वन। अब क्या करना आपको कि पहला और दूसरे कॉलम को रिपीट करते हैं, करते हैं तो करिए देखिए क्या होगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे टू वन टेन सेवन वन एट, कर दिए। तो यही करते हैं हम लोग, पहला कॉलम लिखते हैं, फिर दूसरा कॉलम लिखते हैं, फिर तीसरा कॉलम लिखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, तो दो कॉलम को यानी पहला और दूसरा को रिपीट कर देते हैं। देखिए कर दिए। अब जब कॉलम से चल रहे हैं तब हम किसको देखते हैं, रो को, याद है ना आपको, किसको देखते हैं, रो को, किस किस रो को, पहले को और तीसरे को। ठीक है ना, तो सबसे पहला को देखिए, तो पहला क्या है यहाँ टू, तो देखिए टू से काम शुरू कर दीजिए। देखिए ये आपका हो गया टू, फिर क्या देखना आपको, सेवन, देखिए सेवन, फिर क्या है वन, देखिए वन, क्या तो दिक्कत। अब पहला जब रो हो जाए तो हम किसको देखते हैं, दूसरे रो को ना, देखिए क्या है टेन एट वन, नीचे से जाइए देख लीजिए टेन एट और ये वन हो गया। तो यही आपका हो गया सारस डायग्राम के अनुसार। अब हम लोग सभी जानते हैं कि रो वन के साथ जो एरो है उसमें उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला प्लस में, और ये जो देख रहे हैं नीचे से ऊपर है वो किसमें रहेगा, तो माइनस में। आइए काम करते हैं इसको, देखिए तो यहां होगा आपका टू इंटू वन इंटू वन, ध्यान दीजिएगा पहला तीर पे हम कर रहे हैं, देखिए दो गुना एक और गुना एक क्या होगा, दो होगी ना, ध्यान दीजिएगा हम पहला एरो का काम किए, यानी ये इसको हम पहला मानिए। ठीक है, ये मेरा दूसरा हो गया, ये तीसरा, ध्यान दीजिएगा। तो पहला हुआ दो गुना एक, लिख दिए दो, फिर आइए दूसरा कीजिए, देखिए क्या होगा सात गुना एक गुना दस, तो सबका सात और सात है सत्तर, नहीं तो ये भी प्लस में, ये हो गया सत्तर, दूसरा कम हो गया, पहला एरो दूसरा एरो, अब तीसरा में देखिए एक गुना एक गुना एक, एक गुना एक एक अगुना आठ, तो कितना होगा आठ, ध्यान दीजिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, अब आइए नीचे से देखिए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, लेकिन ये तीनों किसमें रहेगा, माइनस में ना, तो चलिए टेन इंटू वन इंटू वन, बताइए क्या होगा, पहला सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो कीजिए दस गुना एक दस होगा ना, किसमें माइनस में, बहुत अच्छा। अब आइए फिर यहां ध्यान दीजिए एट इंटू वन इंटू टू कितना अटका आठ, आठ दुनी सोलह ना, लेकिन ये भी किसमें माइनस में, फिर देखिए एक गुना सात कितना होगा सात ना, ये भी किसमें माइनस में। यही था मेरा सारस डायग्राम जिसको आप लोग देखे होंगे वीडियो में। तो चलिए इस पे हम आपको दो दिन दिखाए थे, एक वीडियो में था, कल के वीडियो में भी है, परसों वाला में भी है, आप लोग ध्यान से पूरा देखिए, हम बहुत चीज बता रहे हैं आपको, इसमें आप चीजों को बहुत आसान से बना सकते हैं। अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखिए हाफ, आप बोलिए कितना होगा, ये अस्सी होगा ना, देखिए तो आठ दो दस, दस और सत्तर अस्सी, डन। फिर आइए माइनस, देखिए यहां दस सोलह और सात को ऐड कर दीजिए, कितना होगा बताइए, तीन दो एक तीन, कितना मिला थर्टी थ्री ना, तो लिख दीजिए यहां थर्टी थ्री, लिख दिए। आप क्या कीजिए, अपना एट्टी में थर्टी थ्री को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना मिलेगा देख लीजिए, सात
और फिर कितना, 7 में 3 गया तो कितना हुआ आपका, 4 ना, तो 47। यानी ये आपका हो गया 1/2 × 47। अब 47 में आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, 47 में 2 से डिवाइड कीजिए, तो देखिए यहाँ हो गया ना, तो आपका कितना हुआ 23.5। ध्यान दीजिएगा और समझना आपको गौर से, सबसे बड़ी बात है कि आपको ध्यान से समझना है कि हम इसमें डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं, निकालने के बाद प्लस आएगा तब भी प्लस लिखेंगे, माइनस आएगा तो भी प्लस ही लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसीलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 23.5 क्या चीज, वर्ग इकाई यानी स्क्वायर यूनिट क्या, ठीक है। तो ये आपका पहला सवाल था आज का। अभी और आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अब हम एक प्रॉब्लम और बता रहे हैं, वो क्या है सो देखिए ध्यान से। प्रॉब्लम है कि साबित करें कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका शीर्ष टी टी माइनस टू पहला है, दूसरा है टी प्लस थ्री टी, और इसका तीसरा है टी प्लस टू टी से स्वतंत्र है। ये आपको बना के सबको क्या करना है, चेक करना है। ध्यान दीजिएगा, सवाल हम आपको लिख के दिखाते हैं क्या सवाल है, पहले वो समझ लीजिएगा फिर बनेगा ये आराम से। हाँ, अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो शेयर जरूर कीजिए हमसे। देखिए क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा, साबित करें कि, क्वेश्चन है आपका, साबित करें कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष पहला, क्या ध्यान दीजिएगा, टी टी माइनस टू, ठीक है, पहला है टी टी माइनस टू, दूसरा है आपका टी प्लस थ्री टी, ये दूसरा हुआ, एवं तीसरा है आपका टी प्लस टू टी प्लस टू फिर टी प्लस टू है टी से स्वतंत्र है। यही आपको दिखाना, ध्यान से देखिए एक बार सवाल तो मिला लीजिएगा सही से। कहता है साबित करें कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष टी टी माइनस टू टी प्लस थ्री टी एवं टी प्लस टू है टी से स्वतंत्र है। यानी इसमें हमें यही दिखाना है कि जब हम एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का तो उसमें टी नहीं रहेगा, ठीक है। इस सवाल में जब आप एरिया निकालिएगा तो क्या देखिएगा, उसमें टी नहीं रहेगा, बस यही करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, फिर से इसको उसी फॉर्मूला पर ले जाते हैं, किस पे, हाफ डिटरमिनेंट ऑफ एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन पे ले चले। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले मान लेते हैं, देखिए माना कि सॉल्यूशन स्टार्ट किया हम, माना कि ए मान लिया पहला को हम टी टी माइनस टू, ठीक है,
बी क्या मान लिया हम टी प्लस थ्री टी एवं सी उसको मान लिया टी प्लस टू मान लिए हम दे दिए हम। अब आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर क्या पढ़े हैं आप पढ़े हैं हम पढ़े एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन। ठीक है, अब देखिए गौर कीजिए, यहां तक हम लोग सभी जानते हैं कि पॉइंट दिया गया था तो हम क्या किए कि पहला पॉइंट को ए बोल दिए, आप कुछ बोल सकते हैं, पहला पॉइंट को ए बोल दिए, दूसरे को हम बी बोल दिए और तीसरे को हम सी बोल दिए। ठीक है, फिर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ना अभी तुरंत कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर होता है रो में या फिर कॉलम में, हम रो यूज कर रहे हैं, एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन होता है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें कोऑर्डिनेट को रख देंगे, तो आइए रखते हैं देखिए क्या होगा। और सॉरी एक चीज छूट गया, वो देखे क्या वन बाई टू होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ क्या होगा आपका वन बाय टू। अब एक्स वन की जगह पर देखिए मेरा कौन सा है, एक्स वन जगह टी है और वाई वन जगह टी माइनस टू, किसको लिखिए देखिए t माइनस टू वन लिख दिए। ध्यान दीजिएगा जो पहला पॉइंट है वही मेरा एक्स वन वाई वन होता है, एक्स वन जगह देखिए t लिख दिए, एक्स टू जगह t माइनस टू और इंटू वन लिख दिए। ठीक है, अब आइए दूसरा क्या देखिए, यहाँ ये है x, ये y, ये वो x2, ये हो गया y2, हो गया ना, तो उसको लिखिए क्या होगा देखिए, तो t प्लस थ्री टी और वन। और तीसरा देखिए क्या है यहाँ, x ये है y ये है, इसको बोलते हैं हम एक्स थ्री, इसको क्या बोलते हैं y3। एक्स थ्री क्या होगा बोलिए, एक्स थ्री हो जाएगा t प्लस टू वन। यही करना आपको कि साफ जितना कोऑर्डिनेट दिया गया उसको लिख दीजिए अपने मन से, एक दे दीजिए। ठीक है, दे दिए हम। अब इसको क्या करना है हमको, तो सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करने के बाद अगर हम देखते हैं उसमें टी नहीं रहेगा तो फिर ये सही हो जाएगा, वरना देखा जाएगा क्या होता है, पहले करते हैं। आइए तो बताइए क्या कीजिएगा, किससे सॉल्व करना है आपको, रो वन से, रो टू से, रो थ्री से, कॉलम वन से, कॉलम टू से, कॉलम थ्री से, या सारस डायग्राम से, सारस से कर देते हैं। ठीक है, तो अभी सारस डायग्राम में क्या किए थे याद है ना आपको, हम लोग कॉलम लेके चले थे, इसे उल्टा करते हैं, रो लेके चलते हैं। तो चलिए आइए देखिए क्या होता है, तो रो लिखिए, देखिए रो क्या आपका t माइनस टू वन। ध्यान दीजिएगा हम सारस डायग्राम लगा रहे हैं, गौर से देखिएगा t माइनस टू वन, फिर कौन है t प्लस थ्री t1, फिर कौन सा है t प्लस टू t प्लस टू वन, फिर रो को रिपीट कीजिए t माइनस टू वन t प्लस टू। ठीक है, t प्लस टू वन, कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान दीजिएगा। फिर देखते देखिए पहला रो, ठीक है, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो, फिर ये पहला है और फिर ये दूसरा। अगर हम कॉलम से चलते हैं तो क्या करते हैं, हम कॉलम से चलते वक्त हम रो पर ध्यान रखते हैं, जब रो से चलेंगे किस पर ध्यान रखेंगे, कॉलम पे। तो हम चलते हैं रो से, तो ध्यान दीजिए कॉलम पे, देखिए पहला कॉलम हुआ है ना, ये आपका पहला कॉलम और ये तीसरा। अब जरा देखिए कॉलम में कौन सा एलिमेंट पहला है आपका, तो देखिए टी है, तो एरो आपको ऐसे चला देना है, चल गया वन वे। अब देखिए दूसरा, ये क्या है टी प्लस थ्री, फिर चला क्या, फिर देखिए फिर ऐसे चला ना। तो ये हम देखिए कॉलम के तीनों एलिमेंट्स को चुन लिए, ले लिए। इसमें देखिए पहला टी था, टी लेके चले हम, देखिए सीधा काटे, जब पहला कॉलम आप काट लीजिए तब किस में जाइए, कॉलम थ्री में। अब कॉलम थ्री देखिए इधर है, तो शुरुआत कीजिए, देखिए यहाँ वन है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा ये ऐसे हुआ पहला, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, यानी
इसमें हम लोग बस यही ध्यान रखते हैं, जब हम रो से चलते हैं तो कॉलम में काम करते हैं, और जब कॉलम पर ध्यान देते हैं, और जब हम कॉलम चलेंगे तो रो पर ध्यान रखेंगे, बस यही करना आपको। यानी इस प्रॉब्लम में यहां तक का जो काम हुआ वो हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, तो पहले कॉलम के साथ जो है उसको गुना करके प्लस में रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहले कॉलम में जितना एलिमेंट्स था उससे जो तीन चला है उसमें जितना भी गुना था, सॉरी उस तीन पर जितना भी है उसको गुना करके किस में रखना है आपको, प्लस में। देखिए इसका प्लस में, इसका भी प्लस में, इसका भी प्लस में, तो पहला कॉलम का हो गया। और तीसरे कॉलम में जितना है वो सबको भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको क्या करना होगा उसमें कि उसको रखना होगा किसमें, माइनस में। ठीक है, अगर आप ऐसा कर दिए डिटरमिनेंट आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके डिटरमिनेंट को निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इधर क्या करें, हम जल्दी मिटा देते हैं। तो चलिए इधर वाला देखिए मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप उस डायग्राम को देखिए थोड़ा ध्यान से, हम उसी को देख के लिखेंगे, सारा काम वहीं से होने वाला है। सिर्फ बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि एलिमेंट इधर उधर ना हो जाए, मतलब हम गलती कुछ ना लेते। देखिए टी टी माइनस टू वन, टी प्लस थ्री टी वन, टी प्लस टू टी प्लस टू वन, टी टी माइनस टू वन, टी प्लस थ्री टी माइनस टू। देखिए गलती हो गया, दूसरा लिखना था हमको, हम कौन सा लिख दिए इसमें, तीसरा। देखिए यहाँ लिखना था रो कौन सा हमको, दूसरा, और हम गलती से यहाँ क्या लिख दिए, तो तीसरा, बस हो जाता अभी सारा खत्म। गलत, ध्यान रखिएगा कि यही करना आपको थोड़ा सा ध्यान से, कि कहीं हमसे मिस्टेक में कुछ छूट ना जाए। तो देखिए यहाँ होगा टी, ये हमारी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अब आइए फिर से एक बार देख लेते थोड़ा, टी टी माइनस टू वन, टी प्लस थ्री टी वन, टी प्लस टू टी प्लस टू वन, फिर पहला रो को तो यानी टी टी माइनस टू वन, ठीक है, फिर दूसरा रो टी प्लस थ्री टी और वन। अब ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए करते हैं, देखिए क्या होगा। तो वन बाय टू शुरू कीजिए, देखिए इस पहला पे कौन है, ध्यान दीजिए टी इंटू टी इंटू वन, देख दीजिए टी इंटू टी इंटू वन, ये पहला हो गया। फिर प्लस दूसरा, हम देखिए क्या क्या आपका है दूसरा में, टी प्लस थ्री टी प्लस टू इंटू वन, यानी दूसरा हो गया टी प्लस थ्री टी प्लस टू इंटू वन, ये दूसरा हुआ। तीसरा देखिए क्या है, टी प्लस टू टी माइनस टू वन, उसको लिखिए जो लिखा हुआ वहां पे, तो आपका हो गया प्लस टी प्लस टू, ठीक है, और फिर इंटू टी माइनस टू, और फिर कितना टी प्लस टू टी माइनस टू वन इंटू वन। देखिए गौर से देखिएगा, हम आपको फिर बताते हैं क्या क्या किए हैं। पहला पे जितना था देखिए टी इंटू टी इंटू वन, देखिए टी इंटू टी इंटू वन लिख दिए। फिर दूसरा पर देखिए क्या है, टी प्लस थ्री, ध्यान दिया टी प्लस थ्री टी प्लस टू वन, देखिए टी प्लस थ्री टी प्लस टू वन लिख दिए। अब हम तीसरे पे चलेंगे, आइए क्या लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ टी प्लस टू टी माइनस टू वन, देखिए टी प्लस टू टी माइनस टू वन, यानी पहला कॉलम के हम सभी एलिमेंट को लिख चुके हैं, ठीक है ना। अब हम किसको लिखेंगे, अब हम इसमें तीसरे कॉलम वाला पर ध्यान देंगे, तीसरा कॉलम से जो है, तो तीसरा कॉलम से जितना उसको मिलेंगे, लेकिन वो सारा गुना में तो रहेगा, लेकिन साइन क्या होगा उसका, माइनस ना। तो चलिए लिखते हैं, देखिए क्या क्या होगा, ध्यान से बस थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर जल्दीबाजी में चीजें गलत ना हो, बस यही ध्यान रखना और कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करना, तो माइनस टी प्लस टू इंटू टू इंटू टी इंटू वन, देखिए यहाँ टी प्लस टू इंटू टी इंटू वन लिखिए गुना ग्रुप में। फिर देखिए दूसरा कौन है आपका, टी टी प्लस टू इंटू वन, लिखिए माइनस टी टी प्लस टू और वन, ठीक है। अब आइए चलते हैं हम लोग तीसरा में, क्या है देखिए तीसरा में, तीसरा है माइनस
टी प्लस थ्री टी माइनस टू इंटू वन, तो यही हो गया मेरा इसका काम। अब क्या करेंगे हम लोग इसको, इसको हम लोग ईमानदारी से सॉल्व करते। देखिए वन बाई टू मल्टीप्लाई कीजिए टी इंटू टी, क्या होगा टी स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते देखिए, एक नीचे वाला हम बताएंगे, फिर से रिपीट करते देखिए। तो टी प्लस टू टी इंटू वन, देखिए टी प्लस टू टी इंटू वन लिख दिए। फिर दूसरा एरो वाला देखिए क्या है, टी टी प्लस टू इंटू वन टी टी प्लस टू इंटू वन। ठीक है, तीसरा कौन देखिए टी प्लस थ्री टी माइनस टू इंटू वन, सब लिख दिए। यही याद रखना आपको कि पहला रो हो चाहे पहला कॉलम, ध्यान दीजिएगा, पहला रो हो या पहला कॉलम हो, उसके सभी प्रोडक्ट में इसमें जितना गुना रहेगा तीर पर, उस सबको हम लोग गुना कर देंगे, जितना भी अवयव है उसको प्लस में रखेंगे। तीसरा कॉलम हो चाहे तीसरा रो हो, ठीक है, उसके तीर उस पर उसके तीर पे जितने अवयव है उसको भी हम लोग गुना करेंगे, लेकिन उसको रखेंगे किसमें, तो माइनस में। बस यही आपको क्या करना है, याद रखना। अब अगर इतना याद रख लिया तो कमाल हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना होगा, आप लोग कर ही लिए हैं तो मेरा हमसे तो बेहतर आपका है ही। देखिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा टी इंटू टी टी स्क्वायर टी प्लस टू टू टी टी प्लस थ्री थ्री टी, हो गया। फिर आइए उसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, और एक देखिए टी इंटू टी टी स्क्वायर टी इंटू टू टू टी थ्री इंटू टी थ्री टी, और थ्री इंटू टू कितना होगा सिक्स, हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए टी इंटू टी टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस टी इंटू टू टू टी, फिर प्लस 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 ना टू इंटू टी टू टी, फिर प्लस माइनस माइनस फोर। वाह, ये हो गया एक काम सारा प्लस वाला। ठीक है, फिर देखिए थोड़ा सा टी इंटू टू टी इंटू टी टी स्क्वायर टी इंटू टी टी स्क्वायर टी इंटू टू टू टी थ्री इंटू टी थ्री टी थ्री इंटू टू सिक्स। फिर आइए टी इंटू टी टी स्क्वायर टी इंटू माइनस टू, क्या होगा माइनस टू टी, फिर टी इंटू टू इंटू टी टू टी, और प्लस माइनस माइनस टू टू जो फोर। अब नीचे वाला अगर ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला हम लोग मैं क्या करते हैं सबका माइनस बाहर निकाल देते, अब जो उसका रियल साइन अंदर में होगा वही मिलेगा आपको, इससे माइनस इससे सब माइनस में बाहर आ गया, तो जो इसके अंदर होगा उसको नहीं बदलिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब भूल जाइए माइनस को इसको, ठीक है, माइनस को मान लिए, जैसे माइनस को मान लिए अब ये प्लस हो गया यहाँ पे, जैसे माइनस को मान लिए क्या हो गया, अब माइनस को जैसे हटा, ध्यान रखिएगा माइनस जैसे हटाइएगा प्लस हो जाएगा, तो जैसे ही प्लस हुआ अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर आपको बताएंगे कैसा होगा। माइनस निकाल दिए इसका क्या, हम इसकी बात कर रहे हैं, देखिए टी इंटू टी क्या होगा टी स्क्वायर होगा, फिर देखिए टी इंटू टू क्या होगा टू टी। ठीक है, कोई दिक्कत, फिर से देखिए हम इसके माइनस को नहीं ले रहे, देखिए माइनस बाहर है ना, तो माइनस को बाहर आने दे, इसका मतलब माइनस बाहर गया प्लस हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर वाले सिस्टम को गुणा कर दीजिए, कर दिए ये हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या लीजिएगा, हम आप इसमें देख रहे हैं इसमें, इससे भी क्या कीजिए माइनस ले लीजिए बाहर, जैसे माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस तो नहीं भी लिखते हम लोग, सो छोड़ देते हैं इसमें। देखिए ध्यान देना आपको, फिर देखिए प्लस 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 ना टी इंटू टी क्या होगा, तो आपका होगा टी इंटू टी टी स्क्वायर और टी इंटू टू क्या होगा टू टी, फिर इससे भी माइनस उसी तरह से यहाँ लिखे थे हम लोग, आप समझ के चलिए वहां भी माइनस नहीं है, यहाँ भी माइनस भूल जाइए आपकी माइनस है, तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए टी इंटू टी क्या होगा, तो आपका हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस टू टी प्लस 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 थ्री टी प्लस माइनस माइनस, ये हो गया एक हिस्सा इसका, जिससे हम सबसे माइनस को क्या कि तीनों से माइनस को बाहर निकाल दिए, देखिए बाहर आ गया। अब क्या करेंगे हम, तो सबके ब्रैकेट को खोलिए, खोलिए वन बाय टू हो गया टी स्क्वायर, देखिए फिर यहाँ देखिए पहले इसको ऊपर वाला एक पार्ट को कर देते, देखिए ध्यान दीजिएगा एक दो गिनना स्क्वायर को, ठीक है एक दो तीन, टोटल कितना हुआ तीन ना, तो थ्री टी स्क्वायर, ये पहला वाला ले लीजिए। आप देखिए जब इसका हो जाए तो आप लाइक टर्मिनल एक जैसा पद ढूंढिए, देखिए ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला जैसा है, इसमें क्या देती है माइनस टू टी या प्लस टू टी, कैंसिल हो जाए कट गया खत्म हो गया। अब आपके पास बचा टू टी और थ्री टी, देखिए दोनों कट गया खत्म हो गया, अब देखिए टू टी थ्री टी क्या होगा, तो आपका हो गया फाइव टी। ठीक है, फिर आइए छह यहाँ पे प्लस में है, चार किस में है
ध्यान दीजिएगा, 6 प्लस में है तो 4 किस में है मेरा, माइनस में। 6 प्लस है और 4 है माइनस, तो क्या होगा, घटेगा ना, तो घटा दीजिए तो प्लस 2। इसका आप माइनस बाहर ही कर चुके हैं, बस इसको अंदर वाले को ध्यान दीजिए, टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर कितना होगा, 3 टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2t 2t कितना, 4t, और पहला नंबर तो ये दोनों टी कट गया खत्म, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में। अब ध्यान दीजिए 2 और 3 कितना हो, 5 ना, हाँ, तो ये हो गया आपका 5t। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, 1 2 3 वाले जो 3t हो गया, यहाँ 2t था, यहाँ 2t था, यहाँ माइनस 2t है, तो ये दोनों कट गया, तो 3 और 2 कितना, 5। अब देखिए, अब बढ़िया आ गया, इसमें क्या मिला आपको, तो यहाँ देखिए -6 लिख दीजिए, -6। अब हम इसके ब्रैकेट को अब खोलते हैं, अब ज्यादा मजा आएगा, पर गलती भी नहीं होगा। देखिए क्या होगा, 1/t 2 3t² + 5t + 2 - 3t² - 5t + 6। क्या किए इसमें, जब हम ब्रैकेट को खोले तो क्या हुआ कि जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, ये प्लस था देखिए माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया। अब देखिए 3t² 3t² समाप्त हो जाएगा, 5t 5t कट जाएगा, यहाँ 2 है यहाँ 6 है, कितना हो जाएगा 8 ना, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 × 8 और कट कीजिएगा कितना होगा 4 ना, और जब 4 मिलेगा तो बताइए क्या जिस एरिया को हम निकाले हैं उसमें आपको कहीं पर भी दिखाई दिया उसमें टी नजर आया नहीं ना, तो देखिए इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो गया कितना, 4 वर्ग इकाई। नीचे लिख देते हैं, यह टी से स्वतंत्र है, यानी इसमें टी नहीं है। हम लोग स्वतंत्र कब हुए थे बोलिए, जब गांधी जी क्या बोले, भारत अंग्रेज, ये अंग्रेज सॉरी उल्टा बोल रहे थे हम, भारत नहीं बल्कि अंग्रेज भारत छोड़ो था ना, तो वही देखिए यहाँ क्या कहा गया, टी भारती तुम क्षेत्रफल को छोड़ो, तो टी क्या क्या देखिए क्षेत्रफल छोड़ दिया, इसका मतलब ये टी से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। यानी ध्यान दीजिए, अगर इसमें टी होता तो हम इसको स्वतंत्र नहीं बोलते। तो यही आपका दूसरा सवाल था आज का, अब आइए और आगे देखते हैं, अभी और सवाल है। अब आइए तीसरा जो सवाल हम लिख रहे हैं वो क्या है, सो देखिएगा, इसमें कहता है कि k का मान निकाले यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई, इसमें दो सवाल है, एक हम सॉल्व कर रहे हैं मात्र। देखिए सवाल है k का मान निकाले, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान निकाले यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, कितना है तो 4 वर्ग इकाई है, त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या है, सो देखिए है आपका -2 0, फिर है 0 4 एवं तीसरा है 0 k है। तो ये सवाल आपका है, तो ये आपको बनाना है, ध्यान दीजिए। तो हम आपको बताए थे ना कि जब आप डिटरमिनेंट निकालिएगा तो प्लस आएगा तो भी प्लस लिखिएगा, माइनस आएगा तो भी प्लस लिखिएगा, किसमें क्षेत्रफल में।
क्षेत्रफल में प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो भी प्लस लिखेंगे। लेकिन जब कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट जो होता है वो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। क्योंकि कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलता है, और हम देखते थे डिटरमिनेंट का जो वैल्यू हमको मिलता है वह प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो चूंकि कोऑर्डिनेट हमको प्लस में भी चाहिए माइनस में भी चाहिए, इसीलिए कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यानी किसी बिंदु का नियामक ज्ञात करने के लिए हम दिए गए क्षेत्रफल को प्लस भी रखते हैं और माइनस भी रखते हैं। ठीक है, यानी हम इसमें यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। लगाए क्या, आइए देखिए, ध्यान दीजिए। पहले तो नाम मान लेते हैं, तो आइए माना कि ए आपका हो गया माइनस टू जीरो, बी जीरो फोर एवं सी क्या हो गया जीरो के। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आइए, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है वह इसमें क्या है उस पर आपको ध्यान देना है। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया गया है कितना, चार वर्ग इकाई। तो हम चूंकि कोऑर्डिनेट निकालना है हमको यानी के का वैल्यू निकालना है यहां पर हमको, इसीलिए हम इस क्षेत्रफल को एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे, और इसीलिए दोनों को मिक्स करके हमको क्या लिख देते हैं हम लोग, हम लिख देते हैं प्लस माइनस फोर। चावल दाल मिला खिचड़ी बनता है ना भाई, यहां पर भाई तो देखिए आप क्या कीजिए, यहां पर आप फॉर्मूला लिख दीजिए। तो वन बाय टू, ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट यानी माइनस टू जीरो अपने मन से वन, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट यानी जीरो फोर खुद वन, और तीसरा कोऑर्डिनेट जीरो के और वन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और सही समझना आपको कि हम यहाँ पे इतना मानिए बराबर क्या होगा, प्लस माइनस फोर होगा। अब आप क्या कीजिए इसको कि आपको जो है वह ध्यान देना है इस पर कि हम इसको बढ़ाएंगे कैसे। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, आइए और ध्यान दीजिए, ये जो टू डिवाइड है देख रहे हैं ना, तो इधर क्या है डिवाइड है, तो इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा ना। तो आपका हो गया यहाँ पे माइनस टू जीरो वन जीरो फोर वन जीरो के वन इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर इंटू टू, हो गया मल्टीप्लाई। चलिए बहुत अच्छी बात, अब इसके डिटरमिनेंट को बनाना है। ठीक है, अब किससे चले जो हम बना सके, तो आप हम क्या बोले डिटरमिनेंट की वैल्यू, डिटरमिनेंट जो है आप जिस प्रोसेस से आपका मन हो आप उससे निकालो, जिससे मर्जी आपकी, अब उसे सॉल्व करो इसको। तो हम इसको पहला कॉलम से बनाने वाले हैं, क्यों, क्योंकि देखिए पहले कॉलम का ना दो एलिमेंट जीरो है, तो हमको काम तो सिर्फ एक ही का करना होगा, दो तो बस ऐसे जीरो से मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा। यानी थोड़ा सा सेंस यूज कीजिए अपना कि हमको कैसे आसान पड़े कोई चीज। तो देखिए यहां से हम इससे बनाएंगे, अब आप रही बात साइन की, तो सबको पता होगा इसका साइन होता है प्लस माइनस प्लस, है ना यार, सही ना। देखिए क्या होता है प्लस माइनस प्लस, फिर यहां माइनस, फिर यहां प्लस, फिर यहां माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और हम इसको पकड़ के चल रहे हैं। तो चलिए, तो देखिए यहां पे पहला एलिमेंट कॉलम वन का कौन सा है माइनस टू, कॉलम वन का पहला एलिमेंट कौन है माइनस टू, तो ये हो गया माइनस टू। जैसे ही हम माइनस टू को लेंगे क्या होगा, इसका पूरा का पूरा रो और पूरा का पूरा कॉलम समाप्त हो जाएगा, हो गया। क्या बचा आपके पास, देखिए ध्यान दीजिए क्या लिख रहा है, फोर वन के वन लिख दीजिए इसको, फोर वन के वन डन। ठीक है, अब आइए ध्यान दीजिए कि इस कॉलम वन का दूसरा एलिमेंट कौन सा है, तो कॉलम वन का दूसरा एलिमेंट है जीरो, जीरो किस जगह पे माइनस पे ना, तो यानी जीरो से पहले क्या लिखेंगे हम माइनस, देखिए लिख दिए। फिर क्या है रूल आपको याद है ना कि जिस एलिमेंट को आप लिए वो जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको छोड़ दीजिए। अब ये दिखे दिमाग के दिखता है, ढक के दिखा था आपको, देखिए क्या दिखा बचा क्या जीरो वन के वन, लिखिए
01K1। ठीक है, अब हम पहला कॉलम के तीसरे एलिमेंट पे चलते हैं। पहला कॉलम का तीसरा एलिमेंट कौन है? जीरो। तो यहां हम लिख देते हैं, फिर साइन क्या है इसका? प्लस, तो दे दिए जीरो। फिर जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको छोड़ दीजिए, लेके छोड़ दिए, क्या मिला लिखिए, 0 1 4 1 लिख दिए। और उधर बराबर में क्या आपका, देखिए प्लस माइनस 4 2 कितना 8 होगा ना, तो यहां हो गया प्लस माइनस 8। क्या कोई दिक्कत आपको? सॉरी नहीं लिख रहे हैं ना यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं प्लस माइनस 8। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हम ये दोनों नहीं भी लिखते तो चलता, क्यों भाई? 0 × कुछ भी 0 हो जाएगा, उधर 0 × कुछ भी 0 हो जाएगा, ये नहीं लिखते तो भी चलता, लेकिन चूंकि आपको समझाना था हमको, इसीलिए हम क्या किए, इसके हर एक पॉइंट को दर्शाए, तो ये दोनों छोड़ दीजिए, आइए इस पे मेहनत कीजिए। तो 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट याद है ना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो 4 × 1 याद है ना, देखिए यहाँ 4 × 1 फिर अपने मन से क्या देते हैं, माइनस के इंटू वन, तो यहां से क्या हो गया आपका प्लस माइनस 8। ठीक है, अब आगे बढ़िए, तो माइनस 2 ध्यान दीजिएगा यहाँ कैसे बढ़ेंगे हम, अब यहां से लीजिए तो 4 − k = ± 8। अब इसका कहना है कि यहां से इसका वैल्यू जो है वह एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, यानी हम यहां से एक बार प्लस को लेके चलेंगे और एक बार माइनस को लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए फिर से बताते हैं आपको कि जब भी कभी किसी का वैल्यू निकालना हो, आप क्या करो, जो क्षेत्रफल दिया गया है उसको आप प्लस माइनस में ले लीजिए। तो 4 था मेरा, तो 4 हम लिखे प्लस भी और माइनस भी। फिर एरिया का हिसाब क्या था, पहला का कोऑर्डिनेट रो में हो या कॉलम में, रो लिख रहे थे, देखिए पहला कोऑर्डिनेट 1 के साथ, फिर दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 के साथ, फिर तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 के साथ, बराबर प्लस माइनस 4, 2 डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाई हो गया, जो था डिटरमिनेंट बच गया। फिर हम क्या किए, इस डिटरमिनेंट को हम लोग टोटल 8 प्रोसेस से बना सकते हैं, नहीं पहला प्रोसेस 3 रो का यूज करेंगे तो 3 ढंग से, कॉलम का यूज करेंगे तो 3 ढंग से, 3 कितना हुआ 6, सारोस डायग्राम का यूज करेंगे तो वहां भी 2 ढंग से, तो 6 × 2 = 8, यानी हम टोटल मिला के इसको 8 ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। हम पहला रो कॉलम को चुने, जिसके कारण हम आपको देखिए समझाया भी कि हम सबको क्या करते हैं, उसके साइन के हिसाब से देते हैं साइन, देखिए दिए दिए, देखिए इसका प्लस, तो प्लस तो आगे माइनस का तो नहीं पता चला, तो ये प्लस फिर ये माइनस, ऐसा करते इसको और अच्छा शो कर देते हैं थोड़ा सा सबको, क्या इसको भी कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा दिखा दिए हम, देखिए पहला का साइन लिखे प्लस, दूसरा का देखिए माइनस, तीसरा का देखिए प्लस, लिख दिए। फिर क्या कहते हैं, जिस एलिमेंट को लेते हैं उसके रो कॉलम्स को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते जाते हैं, बनाते जाते हैं, छोटे छोटे लिख के यहाँ तक लाए। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करके हमको के का वैल्यू बता देना, तो चलिए बता देते हैं देखिए क्या होता है, तुरंत पता चल जाएगा हम लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको 2 हिस्से में बांटेंगे, एक बार इसको प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलेंगे, सही ना, बहुत सुंदर, देखिए आइए। तो यहां से हो जाएगा मेरा फर्स्ट पार्ट में आइदर −2 4 − k = + 8 ले लेते हैं, ठीक है 8 ये प्लस में, तो −8 + 2 k ध्यान दीजिएगा, तो माइनस प्लस माइनस होता है ना, माइनस प्लस माइनस तो 4 × 2 = 8, और माइनस माइनस प्लस तो यहाँ इतना हुआ बराबर 8, उधर ट्रांसफर कर दीजिए, और 2 k = 8 + 8 और 2 k = 16 और k = 16/2 और k = 8, यानी k का वैल्यू कितना मिला इससे 8 मिला हमको। अब आइए इसके सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा एक बार तो हम प्लस लिए, अब ये क्या ले लेंगे, इस बार हम माइनस ले लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बार प्लस लिए ना, इस बार क्या करेंगे हम, तो माइनस ले लेंगे, ले लेते हैं क्या होगा देखिए, और −2 4 − k = −8, ठीक है इस बार हम माइनस लेके चल रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, −8 और माइनस माइनस प्लस ना, हाँ तो +2 k = −8 भेजिए इसको, तो हो जाएगा 2 k − 8 + 8, यानी कितना घटके 0 ना, बिल्कुल सही।
तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए आपको और क्या देख और 2k = 0 जिसके कारण k का वैल्यू 0 तो इस तरह से आप क्या देखें k का हमको मान मिला 0 भी और 8 भी यानी दो वैल्यू हमको k का यहाँ मिला। अब आइए हम अगले टाइप में पहुंचते हैं जहां पर हमको शो करना है कि पॉइंट जो दिया गया वो कॉलिनियर है या नहीं है यानी संरेख है या नहीं है। ठीक है अच्छा संरेख किसको कहते हैं जो एक सरल रेखा पर हो किस पर हो सरल रेखा पर हो और एक सरल रेखा पर यानी संरेख बिंदुओं से त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं हमारा मेरा त्रिभुज हम बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0 ना सही है। तो यानी अगर हम 3 पॉइंट से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें हम अगर 3 पॉइंट से ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं और हमको एरिया 0 मिलेगा इसका मतलब है तीनों पॉइंट कॉलिनियर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रॉब्लम है आपका वो क्या सुनिएगा कहता है जांच करें कि निम्नलिखित बिंदु संरेख है या नहीं। एग्जामिन वेदर फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। ठीक है अब क्या क्या है सो देखिए पॉइंट में सवाल क्या पहले वो ही होता है जांच करें कि ठीक है बिंदु है मेरा पहला का हम एक बता रहे हैं केवल 2 5 -5 2 और 2 5 -5 2 एक सॉरी -5 -2 ठीक है 2 5 -5 -2 और तीसरा है -1 2 संरेख है या नहीं यानी इसमें आपको चेक करके बताना है कि यह संरेख है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे फिर जैसे बनाते वैसे ही इसको पॉइंट मान लेंगे मान लें चलिए मान लेते हैं। देखिए माना कि ठीक ए हो गया 2 5 बी हुआ कितना -5 -2 तथा सी हो गया आपका -1 2 मान लिए हम लोग। अब बताइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होता है हाफ ना क्या होता है यहां हाफ लिखिए हाफ लिख दिए अब बढ़िए यहां से आगे हाफ के बाद क्या होता है तो पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखिए क्या होगा ध्यान दीजिएगा 2 5 1 हो गया। फिर दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट -5 -2 1 तीसरे का क्या होगा तो -1 2 1 लीजिए देखिए फिर से 1/2 पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 5 1 दूसरा का -5 -2 -5 -2 1 तीसरा का -1 2 लीजिए। अब क्या करना हमको इसका एरिया निकालना है क्या होता है चलिए निकाल देते हैं तो ध्यान दीजिए क्या क्या होगा उस पर गौर कीजिएगा 1/2। अब बताइए कि इस डायग्राम को हम कैसे बनाए तो ऐसा करते हैं ना इस बार इसको हम क्या करते हैं कॉलम 3 से सॉल्व करते हैं। ठीक है तो कॉलम 3 पे आइएगा लेकिन पहले साइन पे ध्यान दीजिए +/-+-+-+ दीजिए हम फोकस किस पे किए हैं तीसरे कॉलम पे। चलिए अब पहले डिटरमिनेंट लीजिए 2 5 1 -5 -2 1 -1 2 1 ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। अब ये बताइए आप हमको कि कॉलम तीसरा का पहला एलिमेंट कौन सा है कॉलम तीसरा का पहला एलिमेंट देखिए कौन सा है 1 है ना कौन है 1 है तो लिखिए 1 क्योंकि 1 का साइन प्लस है तो लिखिए। अब रूट क्या कहता है याद है ना आपको कि जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको छोड़ दिया जाता है। देखिए
जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको क्या करना है, उनको छोड़ देना है। छोड़ दिए, क्या बचा, जो बचा उसको लिखिए। बचा आपके पास -5, -2, -1, 2 लिख दिए। अब बताइए, यहां देखिए कॉलम तीसरा का दूसरा एलिमेंट लेना है, कॉलम तीसरा का दूसरा एलिमेंट कौन है, 1। कहां पर है, तो माइनस पर, देखिए माइनस लिए। फिर क्या करना, नियम वही है, जिस रो और जिस कॉलम में हो आप उसको क्या करो, छोड़ दो। देखिए क्या बचा आपके पास, 2, 5, -1, 2। बहुत अच्छा, 2, 5, -1, 2 कर दिए, लगती तो मिट गया, अच्छा कर दिए। आप बताइए कॉलम तीसरा का तीसरा एलिमेंट कौन सा, 1 ना, 1 कहां पे है, प्लस की जगह पे, तो प्लस लिखिए, तो +1। फिर वही जिसमें हो उसको छोड़ दीजिए, क्या बचा देखिए, 2, 5, -5, -2, 2, 5, -5, -2 लिख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां तक समझ आ रही है ना सब बात, चलिए बहुत अच्छी। आप बढ़ाते हैं इसको आगे, क्या करेंगे, डिटरमिनेंट दिया था ना आपको, जैसे a1 b1 a2 b2 रहता है, क्या लिखे थे हम, a1 into b2, ठीक है, -a2 into b1 लिखे थे ना, इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसका। तो ये हो गया 1/2। अच्छा 1 अगर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, छोड़ दीजिए उसको, क्या होगा देखिए, तो -5 into 2 यानी -5 into 2, फिर माइनस खुद से -2 into -1, ये हो गया पहला हिस्सा, डन। ठीक है, दूसरा माइनस, माइनस है दे दीजिए माइनस। आप फिर देखिए 2 into 2, तो 2 into 2, फिर माइनस खुद से 5 into -1, 5 into -1, ये हो गया दूसरा हिस्सा। अब आइए प्लस तीसरा हिस्सा, क्या हो देखिए, 2 into -2, फिर माइनस 5 into -5। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो करिए देखिए क्या होगा, 1/2, यहां हो गया क्या चीज, -10, यहां देखिए -, -+, फिर हो जाएगा माइनस, फिर यहां देखिए 2 × 2 = 4 और -, -+, 5, फिर यहां देखिए आपका हो गया कितना, -4 और -, -+, 25। अब हम लोग इसको पढ़ाते हैं आगे, फिर क्या होगा आगे देखते हैं, 1/2, ठीक है, कितना हो गया 1/2। अब आगे -10 - 2 कितना होगा, -12 होगा ना, -10 - 2 - 12, यहाँ 5, 4, 9, लेकिन बाहर क्या माइनस, क्या हो जाएगा -9। ठीक है, अब देखिए इसमें आप घटा लीजिए इसको, तो कितना मिलेगा, 25 में 4 घटाइएगा तो 21 ना, तो +21। अब जरा देखिए 12 और 9 दोनों माइनस में, दोनों जुड़ जाएगा, जोड़ दीजिए, तो 1/2 क्या होगा, -21 + 21 यानी 0, तो 1/2 × 0 = 0। अब हम क्या देखें कि जब हम एरिया निकाले इस तीनों पॉइंट से, तो हमको क्या मिला, 0। 0 मतलब मिलने का मतलब क्या है, कि त्रिभुज का त्रिभुज बना नहीं मेरा, अगर त्रिभुज नहीं बना यानी तीन बिंदुओं से अगर त्रिभुज का निर्माण नहीं हुआ, तो यह कब संभव है, जब तीनों एक सरल रेखा पर हो, अर्थात तीनों संरेख हो। इसी पॉइंट हम लोग लिख देंगे लास्ट में, इतना दूर आप कर लीजिए, उसको हम ये लिखेंगे, तो आप थोड़ा जल्दी कीजिए। तो देखिए हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान देना आपको, हम लोग लिखेंगे कि चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 0, इसीलिए AB एवं C क्या है, संरेख है। तो यानी इस सवाल में आपको कोलिनियर प्रूफ करने के लिए कहा, अगले सवाल में क्या कहेगा आपको कि कोलिनियर है, ठीक है, प्रूफ नहीं करना है, वो कंफर्म है, ठीक है, तो आपको कहेगा उससे कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अगर बताइए अभी कोलिनियर प्रूफ करने के लिए कहा आपको, तो आप क्या किए,
आप किए डिटरमिनेंट निकाले और देखिए वो जीरो होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और जब कोलिनियर बोलेगा आपको तो आप क्या करेंगे हम लोग, तब हम लोग डिटरमिनेंट को जीरो के बराबर लेके चलेंगे और उससे वैल्यू निकालेंगे। आइए लिखते हैं, एक सवाल ऐसा है, देखिए कैसा सवाल है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कहता है कि आपको कि यदि बिंदु ए बी ए वन बी वन तथा ए माइनस ए वन बी माइनस बी वन संरेख है। ध्यान से सुनिएगा, सवाल है कि यदि बिंदुएं ए बी ए वन बी वन तथा ए माइनस ए वन बी माइनस बी वन संरेख है तो दिखाए कि ए बाय ए वन बराबर बी बाय बी वन। यही कहता है इसमें आपको, ये तीन के तीन जो पॉइंट दिए गए हैं वो संरेख है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, शो करना है कि इतना होता है। तो आप लोग बना सकते हैं ना इसको, चलिए आप लोग शुरू हो जाइए, हम भी बनाते हैं ये प्रॉब्लम, हम लोग तेजी से बनाते हैं, ठीक है। फिर हमें नहीं होगा तो हमको कल बताएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको बनाइए जिनसे बनेगा, फटाफट लग जाइए। लेट ए ए बी बी ए वन बी वन सी ए माइनस ए वन बी माइनस बी वन, ठीक है। चूंकि ए बी एवं सी संरेख है, कड़ा क्या है संरेख है, तो संरेख हम लोग क्या कंडीशन पढ़े थे, इसीलिए हम लोग पढ़े थे अगर संरेख होगा यानी एक रेखा पर होगा तो उससे जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, जीरो होगा। आइए इसे बढ़ाते हैं हम लोग आगे, देखिए इसके अलावा क्या पढ़े थे, डिटरमिनेंट भी जीरो होता है। बताइए पहला क्या है, देखिए यहाँ ए बी वन, दूसरा कौन है ए वन बी वन वन, तीसरा कौन है ए माइनस ए वन बी माइनस बी वन वन बराबर जीरो, ठीक है। अब हम थोड़ा स्पीड कर लेते हैं इसको, आप लोग थोड़ा हमें संभाल लीजिएगा, फिर हमें कल बताएंगे आपको। तो देखिए हम कॉलम से चल रहे हैं, वन से कॉलम वन लिए तो ये रो ये कैंसिल हो गया, बचा कितना ए वन बी वन, ध्यान दीजिएगा ये दोनों छूट गया ना, तो ये बचा ए वन बी वन ए माइनस ए वन ए माइनस ए वन बी माइनस बी वन, ये हुआ इसका। फिर क्या किया हम इसको लिया तो ये माइनस वन होगा, जैसे माइनस वन लिए देखिए ये वाला और ये वाला छोड़ देंगे तो बचेगा कितना, बचेगा ए बी ए माइनस ए वन बी माइनस बी, ठीक है। फिर प्लस इसको लिए तो प्लस होगा, फिर ये रो ये कॉलम छूट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ए बी ए वन बी वन बराबर जीरो। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देखिए क्या होगा, बस ध्यान से डिटरमिनेंट निकालना है, कंडीशन अप्लाई करना है, उसको देखना है क्या। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से हो जाएगा मेरा, देखिए यहां इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, होगा ए वन बी माइनस बी वन, फिर खुद से माइनस बी वन ए माइनस ए वन, पहला हो गया। अब आइए दूसरा ध्यान देते हैं, दूसरा क्या है माइनस में, ये तो एक टर्म था इतना, अब दूसरा स्टार्ट करते हैं। देखिए माइनस, फिर वही कंडीशन ए इंटू बी माइनस बी वन, फिर यहां माइनस बी ए माइनस ए वन, ये हो गया दूसरा। फिर आइए तीसरा में आते हैं, यहां भी वैसे ही होगा, तो फिर प्लस यहां ए बी वन माइनस ए वन बी इज इक्वल टू जीरो। इसी को सॉल्व करना हमको, करते हैं इसको, देखिए ध्यान से, तो यहां से हो जाएगा ये ए वन बी माइनस ए वन बी वन, फिर यहां माइनस मल्टीप्लाई कीजिए होगा ए बी वन
माइनस माइनस प्लस ए वन बी वन हो गया इसका। इसमें देखिए क्या होगा, ए बी माइनस ए बी वन माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस ए वन बी फिर प्लस ए बी वन माइनस ए वन बी इक्वल टू जीरो। ध्यान दीजिए ए वन इंटू बी ए वन बी ए वन इंटू बी वन ए वन बी वन माइनस प्लस माइनस ए इंटू बी वन ए बी वन माइनस माइनस प्लस ए वन बी वन माइनस ए इंटू बी ए बी ए इंटू बी वन इतना प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी ए बी माइनस माइनस प्लस ए वन बी ये तो वही था। अभी देखिए क्या देखिए यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, काट दीजिए ए वन बी माइनस ए बी वन ठीक है, उसमें कुछ कैंसिल होगा क्या, इसमें आपका ए बी कट गया लिखिए इसको भी लेकिन मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस ए बी वन वहां भी मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से माइनस ए वन बी फिर प्लस ए बी वन माइनस ए वन बी इक्वल टू जीरो। आप देखिए क्या क्या कैंसिल होता है, ए वन बी देखिए ए वन बी जो है प्लस में ए वन बी माइनस में और क्या कैंसिल होगा देखिए यहाँ ए बी वन जो है वह माइनस में है ए बी वन प्लस में कट गया अब कुछ नहीं कटेगा जो बचा उसको लिखिए ए बी वन माइनस ए वन बी इक्वल टू जीरो इधर उधर कीजिए ए बी वन इधर ले जाइए क्या होगा माइनस प्लस ना ए वन बी अब एक्सेप्ट कर लीजिए ए बाई ए वन बराबर बी बाई बी वन यही हमको कहा था प्रूफ कर लीजिए। कल हम आपको इसके कुछ और सवाल हैं बता के फिर हम आपको कल माइनर और को फैक्टर सिखाएंगे यानी उपसारणिक और सहखंड। आज के क्लास में इतना है।